चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से भी आज यानी मंगलवार को भारत बंद का समर्थन किया गया। इसको लेकर पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से सेक्टर 22 में किरण सिनेमा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और 3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में आप पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग और आप लीडर चंद्रमुखी शर्मा नेतृत्व कर रहे थे। आप लीडर चंद्रमुखी शर्मा का कहना था कि बार बार सरकार किसानों के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन वह मीटिंग बेनतीजा रही है, जबकि किसान सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि ये तीनों बिलों को वापस लिया जाए। आम आदमी पार्टी ने जो किसान दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहे हैं तीनों फार्म बिल्स को लेकर, उसका सपोर्ट का आह्वान किया है। कल केजरीवाल जी ने दिल्ली में जाकर सेवादार की तरह सबका हालचाल पूछा, उनके दिक्कतें पूछे। उससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है दिल्ली की इतने स्टेडियम के उनको जेलें ना बनाकर, क्योंकि भाजपा ने चाल चली थी कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व कर लें डायरेक्ट तरीके से, कल को उसका पॉलिटिकल माइलेज लें, तो उसको केजरीवाल जी ने बड़े ही ठीक तरीके से समझ के साथ सूझबूझ के साथ उसको पंक्चर किया है। और हमारा ये कहना है कि भारत सरकार जो इस वक्त लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, किसानों को बेवकूफ़ बना रही है, अगर इन्होंने इसको वापस नहीं करना किसी बिल को, तो ये क्यों बार बार मीटिंग की बात करते हैं, उनको बुला के 6-8 घंटे अपना उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और ये इतना बड़ा एजिटेशन, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा किसानों को कि कितने पीसफुल तरीके से उसको हैंडल करा है और किसी तरह की जो वायलेंस है उसको, झगड़े को मिटाया है। और ख़ास करके जो मीटिंग के अंदर भी अपना खाना चाय लेके जा रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी भी इन्होंने सरकार की एक्सेप्ट नहीं करी, ये भारत सरकार के ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। वहीं आप पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग ने कहा कि वे किसानों को समर्थन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है, भगवान सरकार को बुद्धि दे और ये किसान विरोधी बिल सरकार वापस ले। हमारे प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण है, आप देख रहे हो शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, ये एक किसानों के लिए समर्थन है हमारा, जो इतना सब कुछ घर बार छोड़ के वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, उनको समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ये आज शुरू कर रही है। हमने कल परसों भी वहाँ किसी ने किया था, तो हम यही चाहते हैं कि जो सरकार को मोदी जी को भगवान सुमति दे और वो उनके किसानों की मांगों को समझें और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको समझ के इस किसान जो विरोधी बिल है इनको वापस लें। गौरतलब है कि किसान लगातार कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार अब इन बिल के बारे में क्या सोचती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।